यूनिसेफ के साथ काफ़ी कुछ किया है साथ में, काफ़ी काम हुआ है साथ में, बट आई थिंक ये कैंपेन को लेकर, एवरी चाइल्ड अलाइव कैंपेन को लेकर, आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट इट कैन गेट टू माई हार्ट. क्योंकि आई थिंक नाउ आफ्टर बिकमिंग अ मदर एंड गिविंग बर्थ टू तैमूर, आई थिंक दैट वो ऑटोमेटिकली एक 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 फीलिंग सी आ जाती है दैट यू फील रिस्पॉन्सिबल दैट टू काइंड ऑफ यू नो स्प्रेड द मैसेज दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, हाउ वी कैन कीप एवरी चाइल्ड अलाइव. तो आई थिंक दैट ये एक नेचुरल सा एसोसिएशन हो गया दैट आई फील इज यू नो मैं मना भी नहीं कर सकती थी, एंड ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू फ्रॉम इन साइड ऑफ मी, यू नो. आप खुद एक माँ हैं, टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के मुद्दे पर एज अ मदर किस तरह से आप बाकी रूरल एरियाज के लोगों को जोड़ के बात करें? आई थिंक गवर्नमेंट अपना काम तो कर ही रही है, आई थिंक दे आर वर्किंग टायरलेसली प्रोवाइडिंग सर्विसेज. एंड जैसे आपने देखा कि हमारे रेडियो जॉकीज ने किस तरह का काम किया है, कम्युनिटी रेडियो की तरफ से भी हर डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेयरनेस स्प्रेड किया जा रहा है हमारी तरफ से, तो कोशिश तो जारी है. और ऑफ कोर्स सपना है दैट वी विल हैव एवरी चाइल्ड अलाइव, बट एज लॉन्ग एज प्रोग्रेस चल रहा है आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी इन दैट. ओके करीना, इसी के साथ में वैक्सीनेशन को लेके मतलब लोगों की जो जो गांव होते हैं, गांव खेड़े जो होते हैं, उनकी मतलब राय एक अलग है, मतलब ऑफ कोर्स कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है, इस तरीके से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज? बट आई थिंक इसी होप में हम चल रहे हैं कि यू नो व्हेनेवर दे जब वो हमारी बातें सुनेंगे, जब हम वो हमारी कैंपेन्स देखेंगे, व्हेन दे काइंड ऑफ सी एन ऑल्सो जैसे कि कहा किसी ने अंदर दैट दे हैव रोप्ड इन रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो टू काइंड ऑफ कन्विंस देम दैट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन इज, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. आई थिंक एक बच्चे के पहली दो साल जिंदगी का आई थिंक इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इफ वी आर ट्राइंग फ्रॉम एवरी रिसोर्स टू काइंड ऑफ रीच आउट टू रूरल इंडिया. आप माओं को अभी मातृत्व दिवस होने जा रहा है दो दिन बाद, माओं को क्या संदेश देंगी कि इस बार के मातृत्व दिवस के बाद अपने बच्चों का किस बारे में विशेष ख्याल रखें? आई थिंक इतना सब कुछ कहना है, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक बच्चों की सेफ्टी एक तरफ एंड टीकाकरण एक तरफ, आई थिंक दीज आर टू मैसेजेस दैट आई बिलीव इन, विच आई वुड जो मैं अपने बच्चे के लिए करूँगी, जो मैं तैमूर के लिए करूँगी, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई वुड वॉन्ट ऑल मदर्स अक्रॉस इंडिया टू. करीना, साथ ही साथ अब बच्चों की बात हो रही है, इसके साथ साथ वुमेंस पे जो वुमेंस लेक्चर हैं उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें आती हैं सामने, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वेल आई थिंक दैट ऑफ कोर्स आई थिंक एक माइंड सेट की बात है, बट आई थिंक वुमेन नाउ आर दे आर द पायनियर्स. आई थिंक आप जहाँ भी देखो आई थिंक वुमेन आर लीडिंग इन एवरी फील्ड. इफ़ यू गो टू सी इन द रूम ऑल्सो टुडे देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब आप रेडियो जॉकीज को भी देखें, आई थिंक आज मैं देख रही थी कि देयर वर मोर फीमेल रेडियो जॉकीज देन मेल. सो आई थिंक वुमेन आर वेरी स्मार्ट, वेरी अलर्ट, एंड दे नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम सेल्व, एंड आई थिंक वी आर कम आउट टू बी फाइटर्स. So I think we'll just have to keep our head high, keep ourselves strong, and I think we'll be able to resolve all the issues. So साथ ही साथ आपकी फिल्म के बारे में बता दें कि क्या शेड्यूल है, कब से शूट करने की, उसके बारे में या हिंदी मीडियम की बात. हाँ, अभी आई थिंक एंड गुड न्यूज़ तो रिलीज़ होने वाली है दिसंबर में, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, और कास्ट भी बहुत ही एक्साइटिंग है, बिकॉज दिलजीत दोसांझ है, अक्षय कुमार है, कियारा आडवाणी एंड अस टुगेदर. सो आई थिंक फॉर अमेजिंग एक्टर्स आई थिंक पीपल शुड एक्सपेक्ट अ फन राइड फॉर श्योर. ओके, करीना जी के साथ में दो फिल्में, दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं, दबंग 3 एंड आपकी गुड न्यूज़, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक हफ्ते बाद आएगी हमारी फिल्म, एक या दो हफ्ते बाद आएगी हमारी फिल्म, एंड ऑल्सो दबंग एंड गुड न्यूज़ में कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आवर ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द. For taking this initiative, you have also been RJ yourself. Ji. Do you think you were taking some issues or matters which were more mature and with the celebrities? Any plans for taking a show for children? Yes. सो जैसे मैंने कहा दैट वॉट वीमेन वॉन्ट, वी टुक अप टॉपिक्स दैट प्रॉबेबली नॉट मैनी पीपल हैड एड्रेस्ड ऑल्सो. बहुत सारे लोगों, बहुत सारी औरतें सामने से आके कभी बात नहीं किए, बट ऑन वॉट वीमेन वॉन्ट आर रेडियो शो पीपल वर कमिंग एंड एड्रेसिंग टॉपिक्स लाइक दैट. सो देर विल बी अ सीजन 2, बट वी डोंट नो द टॉपिक येट. इट कुड ऑल्सो बी वॉट मैन वॉन्ट. I'm sorry. Just one Mother's Day wish. Mother's Day wish.
taken a question regarding the video. Would you like your legacy of your family with RK Studios to be continued? As we are talking already about it, do you think, as being suggested, a museum should come up? So what's your thought on this? I think RK की legacy already आगे बढ़ चुकी है, और पहले तो लड़कियों ने बहुत आगे बढ़ाया, करिश्मा ने पहले किया, फिर मैंने किया, और अब रणबीर आगे बढ़ा रहा है. तो आई थिंक हमारे परफॉर्मेंसेस से एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग, हमारी लेगेसी तो आगे बढ़ ही रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह एक दिन आगे बढ़ाएंगे. Well, I wish all the mothers a very, very happy Mother's Day. Don't forget to wish your own mothers. Of course, me being a mother feels this, but wish, pick up the phone, wish your mother, give her a tight hug, because that's what I am expecting and waiting from my son.